मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीरे आजम इंडो पैसिफिक रियासतों से ताल्लुक मजबूत करने के मिशन पर रवाना। ट्रूडो मुख्तलिफ ममालिक में अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। ट्रूडो का खित्ते का सफर वसी तर तआवुन की बुनियाद रखेगा। टोरंटो के मेयर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद की अपील। जॉन टोरी का कहना है कि माली बुरहान के सबब हजारों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं। टोरंटो को इस साल $815 मिलियन के ऑपरेटिंग बजट खसारे का सामना है। टोरंटो में सर्दी की दस्तक। वीकेंड पर शहर में बर्फबारी का इम्कान। वीकेंड पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -3 तक जाने का इम्कान। अमेरिका का यूक्रेन को नए फौजी इमदाद देने का ऐलान। हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल शामिल। यूक्रेन के शहर मैकोलीफ में रूसी हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में नर्सों का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पहली बार हड़ताल का ऐलान। मुल्क के तमाम बड़े अस्पताल हड़ताल से मुतासिर। महंगाई और तवानाई बहरान से यूरोपीय ममालिक में बेचैनी फैलने लगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीरे आजम जस्टिन ट्रूडो इंडो पैसिफिक में कनाडा की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने के मकसद से मुनक्कदा समिट के सिलसिले में जनूब मशरकी एशिया का दौरा कर रहे हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इंडो पैसिफिक में कनाडा की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने के मकसद से मुनक्कदा समिट के सिलसिले में जनूब मशरकी एशिया का दौरा कर रहे हैं, जिसका आगाज आसियान समिट में शिरकत से करेंगे। कंबोडिया के दारुल हुकूमत नोम पन्ना में आसियान समिट में पहले पड़ाव के साथ उनके साथ वजीर तिजारत मैरी एनजी और वजीर खारजा मिलानी जूली भी शामिल है। कनाडा खत्ते के 10 ममालिक के इक्तिसादी तौर पर बढ़ते हुए ब्लॉक के साथ तजारती मुजाकरात कर रहा है। कैनेडियन वजीर खारजा के मुताबिक ताइवान पर हमले के खिलाफ बीजिंग और दीगर बड़ी ताकतों जैसे भारत, जापान और जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को गहरा करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि ट्रूडो का खित्ते का सफर वसी तर तआवुन की बुनियाद रखेगा, लेकिन माहरीन ने खबरदार किया है कि आसियान के साथ कनाडा की मसरूफियत कमज़ोर रही है, जिसकी वजह से तंजीम की जानिब से मुहैदे के इम्कानात के बारे में शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ट्रूडो जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन के रहनुमाओं के सरबराही इजलास में पहुँचे, जो 10 ममालिक का एक ग्रुप है जो कनाडा के साथ तजारती मुहैदे पर बातचीत कर रहे हैं। पीर को ट्रूडो बॉली में G20 सरबराही इजलास के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जहाँ वो यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को तन्हा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों पर दबाव डालेंगे। सरबराही इजलास का मकसद सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ खुराक और तवानाई की हिफाजत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करना है, जिसे ट्रूडो का कहना है कि रूस ने इसे कमज़ोर किया है। ट्रूडो इंडोनेशिया में G20, थाईलैंड में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर्स के फोरम और त्यूनिस में फ्रांकोफोनी समिट में भी शिरकत करने वाले हैं। टोरंटो के मेयर ने कहा है कि टोरंटो को इस साल $815 मिलियन के ऑपरेटिंग बजट खसारे का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक वबाई अमराज से है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा के शहर टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों से फौरी तौर पर माली मदद की अपील करते हुए खबरदार किया कि उसके बगैर शहर को टैक्स में बेतहाशा इजाफे और इंतहाई सर्विस कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जॉन टोरी ने खबरदार किया कि शहर को प्रोग्रामों और उसके सरमाए के बजट में भी कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में उनके बकौल हजारों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं और शहर की मौशी बहाली को खतरा हो सकता है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड और वफाकी वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लिखे गए खत में जॉन टोरी ने कहा
कि शहर को वबाई अमराज से मुतालिका असरात को दूर करने के लिए महीने के आखिर तक माली मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टोरंटो को इस साल 815 मिलियन डॉलर के ऑपरेटिंग बजट खसारे का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक वबाई अमराज से है। दनी असना उन्होंने कहा कि शहर को अगले साल तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर के बजट के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, इससे पहले कि किसी प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे या हुकूमत के दीगर अहकामात से फंडिंग के वादों का हिसाब लिया जाए। जॉन टॉरी ने खत में लिखा, आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे महदूद इख्तियारात और बजट के खसारे को चलाने में हमारी बेबसी के पेश नज़र, हमारे पास मालियाती सलाहियत नहीं है कि अपने निज़ाम को उन बड़े बड़े नुकसान से बचा सके। जॉन टॉरी ने खत को अवामी तौर पर शेयर किया। टॉरी ने नोट किया कि शहर को 2020 से सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मजमूई तौर पर 3 बिलियन डॉलर से जायद की रकम मौसूल हुई है। टॉरी ने कहा कि इस वक्त के दौरान शहर ने बचत लागत में कमी की कोशिशों और दीगर ऑफसेट्स में 1.6 बिलियन डॉलर भी मुतारिफ कराए थे, लेकिन मजीद मदद के बगैर टॉरी ने खबरदार किया कि शहर को प्रोग्रामों और उसके सरमाए के बजट में भी कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में उनके बकौल हजारों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं और शहर की मौशी बहाली को खतरा हो सकता है। डग फोर्ड और क्रिस्टिया फ्रीलैंड के नुमाइंदों ने फौरी तौर पर टॉरी के खत पर तबसरा करने की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से इस वीकेंड पर टोरंटो में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से इस वीकेंड पर टोरंटो में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन का कहना है कि ऐसा लगता है कि जीटीए में गर्म मौसम आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि तवक्को है कि इतवार और अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और शहरी बर्फबारी के लिए तैयार हों। टोरंटो में मौसम में हफ्ते के रोज ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दर्जा हरारत सिर्फ 8 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। इसके साथ बुनियादी तौर पर बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इतवार और पीर के लिए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिर्फ 3 सेंटीग्रेड के करीब होगा और रात भर दर्जा हरारत कम से कम -3 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि नवंबर का बाकी हिस्सा ठंडा लगता है, लेकिन दिसंबर में हमें गैर मामूली गर्म दिन देखे जा सकते हैं। अमरीका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि यूक्रेन के शहर मैकोलीव में रूसी हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान किया है, जबकि यूक्रेन के शहर मैकोलीव में रूसी हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी अहदेदार ने दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 1 लाख रूसी फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक व्हाइट हाउस के मुताबिक फौजी इमदादी पैकेज में फिजाई दिफाई साजो सामान हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल शामिल हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि स्टिंगर मिसाइलों के साथ अमरीकी एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी इमदादी पैकेज में शामिल है। वाज़ह है कि रूसी हमले के बाद से अमरीका यूक्रेन के लिए 18 अरब डॉलर से ज़ायद फौजी इमदाद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन को अगले साल बाकायदा अदायगियों के साथ तकरीबन 18 अरब यूरो पर मुश्तमिल माली इमदाद का एक मंसूबा पेश किया है, ताकि जंग से तबाह हाल इस मुल्क को तवानाई और सेहत की देखभाल के अपने मराकज चलाने और तनख्वाहों और पेंशन के लिए फंड्स फराहम करने में मदद मिले। यूक्रेन के शहर मैकोलीव में रूसी हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मैकोलीव के गवर्नर ने हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पर बताया कि 5 मंजिला इमारत को रूसी फौज ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से तबाह होने वाली इमारत के मलबे से एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी जनरल मार्क मिली ने कहा है कि यूक्रेनी फौज को भी तकरीबन इतनी तादाद में हलाकतों का सामना है। यूक्रेन में सफारतकारी के इम्कान से मुतालिक सवाल के जवाब में अमरीकी जनरल ने कहा कि पहली जंग अजीम में मुजाकरात से कबल अज वक्त इनकार ने इंसानी मसाइल में इजाफा किया और मजीद लाखों हलाकतें हुई। महंगाई और तवानाई बहरान से यूरोपीय ममालिक में बेचैनी फैलने लगी है। बर्तानिया की नर्सों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर दी है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई और तवानाई बहरान से यूरोपीय ममालिक में बेचैनी फैलने लगी है। बर्तानिया की नर्सों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर दी। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सेज की ये 6 साल तारीख की पहली हड़ताल है। मुल्क के तमाम बड़े अस्पताल इस हड़ताल से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी RCN पैट कॉलिन का कहना है कि बस बहुत हो चुका, गुस्सा अब एकदम में तब्दील होगा। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ऐलामिये में कहा गया है कि महकमा सेहत में फराइज अदा करने वाले तमाम अहलकारों के लिए मसावी तनख्वाहों की पेशकश की गई थी, लेकिन ट्रेड यूनियन की जानिब से
وزارت صحت کی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔